नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। आज मुद्दा आपका उस विषय को लेकर जहां पूरे देश में सियासी बवाल है। एक शब्द और वो शब्द है हिजाब। लगातार हम कह रहे हैं कि वो हिजाब हिजाब चिल्लाएंगे, वो मतलब तमाम राजनीतिक दल, वो हिजाब हिजाब चिल्लाएंगे, तुम जॉब जॉब चिल्लाना, वो हिजाब हिजाब चिल्लाएंगे, तुम जॉब पर अड़े रहना। यहां बात हिजाब या फिर रोजी रोटी का हिसाब, विकास का सवाल है और हिजाब पर बवाल क्यों है? आखिरकार इस हिजाब को लेकर राजनीति में इतना उबाल किस बात को लेकर है? क्यों आखिरकार हिजाब पर हंगामा छिड़ा हुआ है? आखिरकार हिजाब विवाद से चुनावी फायदा किसको होगा? हिजाब विवाद जरूरी है या फिर राजनीतिक दलों के लिए मजबूरी है? विकास का सवाल है और हिजाब पर बवाल है, चुनावी माहौल आखिरकार क्यों गरमाया हुआ है? क्यों? उत्तराखंड में कल वोटिंग होनी है, कुछ ही घंटों के बाद वोटिंग होनी है, लेकिन वहां भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठ गया। रोजी रोटी का सवाल था लेकिन मसला हिजाब पर आकर अटक गया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। आखिरकार हिजाब के मुद्दे को उठाना राजनीतिक दलों के लिए क्यों मजबूरी बन गया और क्यों जरूरी? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो मेहमान, उनसे आपको तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ कैप्टन सिंह साहब जुड़ चुके हैं, कैप्टन भदौरिया साहब जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे राघवेंद्र दुबे जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। साथ ही हमारे साथ भूदेव शर्मा जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के नेता हैं। साथ ही सुमन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी जो कि राजनीतिक विशेषक हैं। लेकिन इस पूरे विषय को लेकर सियासत क्यों हो रही है, किस बात को लेकर हो रही है और इस मुद्दे को उठाना राजनीतिक दलों के लिए क्यों इतना मजबूरी हो गया, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सीधा रुख कर रहे हैं कैप्टन साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। बिल्कुल, हिजाब का मुद्दा जरूरी है या फिर मजबूरी? हमारी आवाज आ रही है तिलक जी? जी जी कैप्टन साहब। हाँ, हिजाब, आप देखिए कि हिजाब को लेके कौन आया है, इसको प्रयोग कौन कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि हिजाब आप पहनिए, हमें हिजाब से कोई ऐतराज नहीं है, बिल्कुल पहनिए, आप घर में पहनिए, बाहर पहनिए, बाजार में पहनिए, जहां पहनिए, कोई उसकी रुकावट नहीं है, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। मगर आप सरकारी संस्थाएं हैं उनमें तो एक नियम रहने दीजिए, अगर स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन के जब जाने लगोगे तो फिर वहां दूसरे लोग भी कहेंगे कि दूसरे धर्म के, हमें किसी धर्म कहेगा कि हम भी अपना पूरा वो पहन के आते हैं, हिंदू धर्म कहेगा हम भी पहन के आएंगे, तो आप इनको तो बक्से, इनमें आप हिजाब क्यों चाहते हैं? और जो लड़कियां जो हिजाब के लिए इतनी वकालत कर रही है कि हमें हिजाब जरूरी है, उन्हीं को मैं पार्क में देखता हूं तो वहां जींस और टॉप क्या क्या पहन के बैठती है, मगर उन्हें कॉलेज में हिजाब चाहिए। तो ये प्रयोग है, राजनीति है, ये जो है ना उनकी धर्म की कोई आस्था है वो नहीं है। और फिर मैं सबसे बड़ी बात तिलक जी कहना चाहूंगा, जॉर्डन का सबसे बड़ा घराना है, जिन जो तीन वहां की महारानियां है, देखा होगा आपने, उनने तो कभी हिजाब नहीं पहना है और ना ही वो हिजाब को लाइक करती है, फिर भी उनकी पूरे वर्ल्ड में पहचान है। पहचान इंसान की अपने कर्मों से, अपने धर्म नियम से होती है, अपने धर्म को अच्छा मानने से होती है, हिजाब से नहीं होती है। और फिर हिंदुस्तान में और फिर ये कहते हैं हिजाब हमारी पहचान है, कुरान में तो हिजाब लिखा ही नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है कुरान में हिजाब लिखा है, तो बताइए। कैप्टन साहब मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये मुद्दा क्यों उठ गया? हम आपने देखिए इतना विकास किया ना, आप कहते हो कि आपने विकास किया, डबल इंजन की सरकार, रोजगार दिया है, हमने विकास के नए आयाम गढ़े हैं, कानून व्यवस्था को सुधारा है,
हमने काम किया है, करते हैं और करते रहेंगे, तो फिर ये हिजाब पर वोट क्यों मांग रहे हैं आपके नेता? नहीं, मैं तो नहीं मांग रहा हूं, हमने तो आप देखो कही नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हिजाब हिजाब शरीयत से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश हिजाब से नहीं चलेगा। चुनाव से चुनाव में ही ऐसा मुद्दा क्यों आता है? अब देखिए ना 2017 में कौन सा मुद्दा आया, शमशान कब्रिस्तान, अब आ गया हिजाब। तो ये तो उनको सोचना चाहिए, उनसे आपको पूछना चाहिए जो जो इसको लेके आए, बीजेपी थोड़ी इनको लेके आई है, आप पूछिए, ये तो कांग्रेस का कांटेक्ट किया हुआ है पहले कांग्रेस ने। जी सुना आपने, वो ये कह रहे हैं कैप्टन साहब कि प्लान मुझसे मत पूछो, ये कांग्रेस से पूछो कि ये प्लान कांग्रेस का किया हुआ है, हम तो जो सवाल उठाया हम तो उसका जवाब दे रहे हैं, क्यों प्लान किया आपने? आप तिलक जी हमने इसके ऊपर कोई गलत शब्द नहीं कहे, मगर प्रियंका जी ने तो इसको परिभाषित कर दिया, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि महिलाओं की मर्जी है बिकनी पहन सकती है, तो आप सोचिए कि इनकी सोच क्या है इसके ऊपर। हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, बुरका का नाम हिजाब बुरका पहनिए, आप खूब पहनिए, घर में पहनिए, अपने अपने जहां प्रोग्राम उनमें पहनिए, मगर जो संसदा है जो विद्या के बंदर है उनको तो बख्शिए, मगर ये कह रहे नहीं वहां भी पहनिए। कैप्टन साहब जी, भूपेश शर्मा अपनी बात रखिए, वो ये कह रहे हैं कि हमने थोड़ी ना, ये तो प्रियंका गांधी ने उठाया, राहुल गांधी ने उठाया। देखिए तिलक जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश में विकास से कोई लेना देना नहीं है, इनको रोजगार से कोई मतलब नहीं है, इनको देश के किसानों से मजदूरों से कोई मतलब नहीं है। अगर उत्तर भारत में बात करें तो इनको मुसलमान जो मुसलमान है उनके पहनने से उनके रहने से इनको दिक्कत है, अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाओगे तो इनको ईसाइयों से दिक्कत होती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कुछ दिन बाद मैं बताता हूं आपको कि इनको सिक्कों से दिक्कत होगी कि ये कृपाल क्यों रखते हैं, ये दाढ़ी क्यों रखते हैं, ये केस क्यों रखते हैं, इनके पास देश के विकास को लेकर के कोई मुद्दा नहीं है, ये केवल और केवल धर्म और जाति की राजनीति करने वाले हैं। जैसे ही चुनाव आता है ये किसी न किसी धर्म को लेकर के आते हैं, अब ये हिजाब को लेकर के आए हैं, जब ये मुसलमानों के मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो ये सिखों के, उसके बाद फिर जैनों के, ईसाइयों के, ये मुद्दे के अलावा ये कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ दिन पहले इनको ये दिक्कत थी कि लड़कियां फटी जींस क्यों पहनती हैं। कैप्टन साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम थोड़ी ना मुद्दा लेकर आए, प्रियंका गांधी को जरूर ऐसे विवादित बयान देना चाहिए था। नहीं, प्रियंका गांधी बिल्कुल, देखिए हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, आप क्या कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोते हैं, ये संविधान में हमारी अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बीजेपी वाले ये डिसाइड नहीं करेंगे कि किसको क्या कपड़े पहनने चाहिए। कितने शर्म की बात है, अब कहना ही क्या है कि जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं वो कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं कि आखिर किस कपड़ों किस धर्म के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, तो आप जान सकते हैं कि इनकी मानसिकता कहां तक है, जबकि इनको आज इस देश में इतनी महामारी से हम गुजरे हैं, देश के लोगों के पास रोजगार नहीं है। आपने मेरे साथ फरहा मैडम जुड़ गई हैं, वैसे एडवोकेट भी है मैडम, मैडम आपके पास आओ, लेकिन उससे पहले राघवेंद्र दुबे जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत में आगे करूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ कि रोजी रोटी का सवाल है, ये हिजाब पर बवाल क्यों? बात तो रोजी रोटी की होनी चाहिए ना, हिजाब जरूरी है या फिर रोजगार? आप लोग हिजाब हिजाब चिल्ला रहे, मुद्दा तो रोजगार होना चाहिए, मुद्दा रोजी रोटी होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये हमें जहाँ विकास की चर्चा करनी चाहिए, यहाँ चुनाव में ये बात होनी चाहिए कि सरकार का 5 साल का परफॉर्मेंस क्या रहा, उसने विकास के नाम पर क्या किया, जब विकास के नाम पर कोई बात ना हो तो कभी हिंदू हिंदुत्व की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो, शमशान कब्रिस्तान की बात करने लगो, तो इस तरीके के लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं, और मैं तो कह रहा हूं कि ये जो हमारा देश है वो विविधता में एकता का एक बहुत सुंदरतम उदाहरण है, अगर उसको कहीं नष्ट कर रहे तो ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इसको एक बात बताइए, कोई क्या पहन रहा है, किससे उनको आजादी होनी चाहिए कि वो कौन क्या पहन रहा है, कहीं इससे अपना अलग वेशभूषा है, आप साउथ में जाइए उनकी अलग वेशभूषा है, आप देखिए संसद में बहुत सारे लोग आते हैं वो लुंगी पहन के आते हैं, सिख आते हैं पगड़ी लगा करके आते हैं, अगर कोई वैसा तिलक लगा करके आता है गेरुआ कपड़ा पहन के आता है, बहुत सारी अपनी अपनी वेशभूषा है, सब पर अगर टिप्पणी करेंगे बात होनी चाहिए थी कि आपने युवाओं को रोजगार कितना दिया, बात यह होना चाहिए कि आपने कौन सा ऐसा काम किया
जिससे युवाओं का भला हुआ हो, किसानों का भला हुआ हो, मजदूरों का भला हुआ हो। अगर आपने ये नहीं किया तो निश्चित रूप से आप देशद्रोह का ही काम कर रहे हैं। एक लड़की अगर हिजाब पहन करके जाती है और वहां पर इतने लड़के कहाँ से आ जाते हैं, लफंगे लोग आ जाते हैं, 100-100 लोग लफंगे एक साथ घूमते हैं, इनका धर्म है विद्यार्थियों को रूमों में घुस करके पीटना। अगर कोई रोजगार मांगे तो घर में घुस के पीटना। नियम था मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये चाह रहे हैं कि गोल चेंज हो जाए तो आप भी तो इनकी पिच पर जाकर खेल रहे हैं ना। आप भी तो इनकी पिच पर जाकर क्यों खेल रहे हैं? जब आपको लगता है कि ये मुद्दा नहीं है देश के लिए, आप उस लड़ाई में क्यों कूद रहे हैं? तिलक जी, आपको मैं बता दूं, कल दूसरे चरण का तीसरे चरण के लिए आज वो जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी गए, आज भी कई जगह उनकी रैलियां थी, उन्होंने ये मुद्दा ही नहीं उठाया। उन्होंने विकास की बात करी, उन्होंने कहा हम 300 यूनिट बिजली फ्री करें, उन्होंने कहा कि किसानों को हम इस सुविधाएं देंगे, सिंचाई मुफ्त देंगे, उन्होंने कहा कि जो युवा है उनको हम रोजगार देंगे, 25 लाख आए किस सेक्टर में देंगे। उन्होंने ये बात करी, उन्होंने बात की नहीं करी। यही लोग भटका रही है राघवेंद्र। नहीं, तिलक जी, तिलक जी बिल्कुल गलत। बीजेपी के लोग हैं जो इस लोग, बीजेपी के लोग हैं जो इसको भटकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले महिलाओं की इज्जत नहीं करी। इनके असम के मुख्यमंत्री की भाषा आपने सुनी होगी, जिसका किसी इनके ना प्रधानमंत्री जी ने ना गृह मंत्री जी ने किसी ने खंडन तक नहीं किया। क्या भाषा बोले एक असम के मुख्यमंत्री एक महिला के लिए, और प्रधानमंत्री जी भी लगातार बोलते रहे और उन्होंने कोई खंडन नहीं। ये मुद्दा क्यों उठ रहा है फरा मैडम? एक मिनट, आ रहा हूँ सुमन जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, एक मिनट प्लीज, बहुत देर से वेट करिए फरा मैडम। फरा मैडम, क्यों ये मुद्दा उठ रहा है जानबूझ के? चुनाव से पहले ये मुद्दा क्यों उठा? ये मुद्दा इसलिए उठ रहा है, आपको वक्त दिया, सुन लीजिए ना फरा मैडम और सुमन मैडम, फिर आपके पास आ रहा हूँ। पहले फरा मैडम आप बात रखिए। जी, एक्चुअली क्या है कि यूपी में चुनाव है और यूपी जो है वो इन सब की जान है, जितने भी कट्टरपंथी ताकते हैं वो इन सब की जान है, क्योंकि यहाँ दारुल उलूम देवबंद है और उसके जो प्रोडक्ट है जमीयतुल माहिन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया असदुद्दीन ओवैसी जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है। तो वो यहाँ पर जो कैंपेनिंग चला रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन में, जिस स्पीचेस दे रहे हैं, ये मुद्दा उन्होंने उठाया है अपने स्पीचेस में। जब एक लड़की को परेशानी थी तो ये कॉलेज का मैटर था, वो कोर्ट चली गई थी, कोर्ट डिसाइड करता, बात खत्म हो जाती। तो कहां से जमीयतुल माहिन को जरूरत हो गई कि वो 5 लाख रुपए का चेक जा करके दे उस लड़की को? ओवैसी जो है वो अपनी स्पीचेस में इस इश्यू को उठाए कि वो शेरनी है और यू है फला है और हिजाब पहनेंगे। आज उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दे दिया कि हिजाबी महिला जो है वो देश की प्रधानमंत्री होगी। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ गजवाए हिंद का जो ख्वाब पाल रहे हैं, एक तो वजह वो है। दूसरी वजह ये है कि तीनों तरह का मुद्दा डिसाइड हो गया है, उसमें कानून बन गए। जो मुसलमान औरतें घरों में जुट रही थी, इनकी इनके तंगियों का शिकार हो रही थी, वो सड़क पर आ गई हैं और अपने लिए हक की आवाज उठाने लगी। तो इनको ये लगा कहीं आहिस्ता जो है पॉलीगैमी खत्म ना हो जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ना जाए और ये महिलाएं जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएंगी, तो परेशानी में आ जाएंगे, हमारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसलिए इन्होंने महिलाओं का हथियार बनाया। पहले शाहीन बाग में किए प्रोटेस्ट कराया सबके सामने, आज इतना जानना चाह रहा हूँ मुद्दे क्यों उठते हैं? बेरोजगारी को इशू बनाइए, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ फरा मैडम कि ये चुनाव से पहले ही ये विवाद क्यों उठते? चुनाव से पहले ही विवाद नहीं होता था, चुनाव में जबरदस्ती इस विवाद को घसीटा गया है। अगर हम ये कहते हैं, अगर ये लोग आप मानते हैं कि ओवैसी भी किसी टीम है, बी टीम, बीजेपी की बी टीम, नहीं ओवैसी नहीं, आपको ये एक निकालता है ओवैसी बी टीम है। ओवैसी की तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और वो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर होने के नाते और दारुल उलूम का से जुड़े होने के नाते उनकी वही कट्टरपंथी सोच है। ये आपकी सोच है कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं बीजेपी की बी टीम है मैडम, ये तो उनको भी फायदा होगा जिनको ये चाह रहे हैं कि ध्रुवीकरण हो। अब ध्रुवीकरण कौन चाह रहा है कौन नहीं चाह रहा वो मैं नहीं जानता, जनता जानती है। खैर सुमन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इस विषय से आखिरकार किसको फायदा होगा?
क्या चुनाव के वक्त ऐसे मुद्दे उठाना जरूरी है? ऐसा मुद्दा हिजाब की आड़ में इस देश में ना सांप्रदायिकता की आग को जलाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त यूपी में चुनाव बड़े जोरों शोरों पर है और योगी जी को और मोदी सरकार को तोड़ने के लिए टारगेट बनाया जा रहा है। आप ये देखिए कि हर स्कूल में जब से कोई भी बच्चा होता है हर स्कूल में ड्रेस कोड होता है। स्कूल से लेकर आप डॉक्टर्स की ड्रेस देख लीजिए, आप जजेस की ड्रेस देख लीजिए, आप हम वकीलों की ड्रेस देख लीजिए। जहाँ जहाँ हमारी परफॉर्मेंस होती है वहाँ पर एक ड्रेस कोड होता है। तो वहाँ पर एक हिजाब इतना बड़ा मुद्दा नहीं था यहाँ पर अपनी सियासी रोटियाँ सेकने के लिए। आप जैसे जो ये लोग हैं क्या कहते हैं यादव साहब और ये सब लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए इन्होंने इसको टारगेट किया है। एक छोटी सी लड़की, एक तरफ से तो हम महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं कि हमें चांद पर जाना है, चांद पे जाके परचम लहराने है, और दूसरी तरफ जब इस देश के सशक्त नेता महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनको तीन तलाक जैसी चीजों से मुक्ति दिलाते हैं, बुरके जैसी प्रथाओं से मुक्ति दिलाते हैं, यहाँ पर कुछ सांप्रदायिक लोग महिलाओं को मुट्ठी का अपनी मुट्ठी का शिकार बना के सांप्रदायिकता का इतना घिनौना खेल खेल रहे हैं कि वो हमेशा इन्हीं को टारगेट करके आगे बढ़ते हैं। और वो बच्चियाँ जो इस मुद्दे को उठा रही हैं, जिसने कॉलेज से इसको कोर्ट तक वो लेकर गई, वास्तव में वो खुद किस षड्यंत्र का शिकार है उसे खुद भी नहीं मालूम। इसके पीछे किस किस की फीडिंग हो रही है, वो लोग एक तरफ से तो जब वो पब में बैठे हैं तब उन लोगों को नहीं पता कि तब उनको हिजाब नहीं चाहिए, तब उनको बुर्का नहीं चाहिए। इतनी सारी अभिनेत्रियां भारत के अंदर ऐसी हैं जिनको हिजाब या बुर्का नहीं चाहिए, वो सशक्तिकरण की बात करती है। मैं दूसरे विषय पर, आपने बिल्कुल सही कहा तिलक जी, सुमन तिलक जी, मेरा विषय अलग है, मेरा विषय अलग है ना, मेरा विषय अलग है। मैं एक बात कह रहा हूँ सुमन मैडम, मेरा विषय अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हिजाब को लेकर डिस्कशन जो है, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, जो हम लोग है ना, हम लोग मतलब मैं अपने गिरबान में भी जाता हूँ, अपने गिरबान में मतलब जो मेरे बंधु हैं, जो वो रोज चिल्ला रहे हैं हिजाब 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 हिजाब, पूरा दिन हिजाब हिजाब पूरा दिन, वो हिंदू वो मुसलमान, इससे लड़वा दो उससे लड़वा दो, इससे टकरवा दो इससे भड़वा दो, वो यही करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये मुद्दा ऐसे थोड़ी ना बनता है, मुद्दा तो हम लोग बनाते हैं। अगर मैं एक महीना रोजगार के विषय पर चर्चा करने लग जाऊं, एक महीना रोजगार के विषय पर अगर चर्चा करने लग जाऊं, तो इस देश के अंदर 8 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं अकॉर्डिंग टू सरकार, वो पद खाली नहीं रहेंगे। एक महीना अगर पूरी की पूरी पत्रकारिता बिरादरी मिलकर रोजगार के विषय पर चर्चा कर जाए तो 8 लाख पद खाली नहीं होंगे केंद्र सरकार में, मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूं। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग हैं जो मुद्दा बनाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये डिस्कशन तो बाद में भी हो सकती है चुनाव के, जिस विषय को लेकर अभी हंगामा खड़ा हो रहा है कि नहीं कैप्टन भदौरिया? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, जिसको मुद्दा जो बना रहे हैं ये लोग, तो इनको पूछिए कि ये मुद्दा क्यों बना रहे हैं। आप विकास की बात करिए, जैसे तिलक जी आपने जो कहा मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप विकास की बात करिए, आप रोजगार की बात करिए, सरकार से आप ये सवाल पूछिए ना, मगर समस्या यहाँ ये है कि इनकी हिम्मत नहीं है ये सवाल पूछने की, क्योंकि जब भी इनके शासन काल रहे इन्होंने कुछ किया नहीं है, इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है, इन्होंने सिर्फ जो है ना हिंदू भदौरिया जी हिंदू मुस्लिम कौन करता है ये पूरे देश के लोग जान गए हैं। आप विद्यार्थियों को घरों में घुस करके पीटते हैं, उत्तर प्रदेश में चाहे उन्ना हो, बलिया हो, आगरा हो, हाथरस हो, महिलाओं के साथ जो बलात्कार किए गए ये सब आपकी पार्टी के नेताओं ने किए हैं। आप दूध के धुले नहीं हो, आप ये आरोप मत लगाइए। सबसे अधिक हिंदू मुस्लिम करते हैं तो आप करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। जहां आपको चुनावों में बताना चाहिए था, आपको ये खड़े होकर के कहिए आप कि हमने 5 साल में एक नौकरी नहीं दी है, उत्तर प्रदेश के किसी युवा को हमने एक सिंगल नौकरी नहीं दी है, लेकिन आप नहीं बोल सकते, इसलिए आप धर्म की बातें करेंगे, इसलिए आप हिजाब की कपड़ों की बातें करेंगे। उदय जी प्लीज, आपका नंबर आएगा तो मैं आपको बात रखने दूंगा, पहले जब कैप्टन साहब अपनी बात रख रहे तो उनको सुन लीजिए प्लीज, कैप्टन साहब अपनी बात पूरी करिए फिर आपके पास आ रहा हूं। तिलक जी, इन कांग्रेस महाशयों को कहिए जब ये बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, तो थोड़ा कम से कम सम्मान की मर्यादा की भाषा का, नहीं सम्मान की मर्यादा है, हम बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दिया था। कितने सम्मान वाले हो, मैंने देख लिया ना, जब सवाल मुझसे नहीं तो आप गलत गलत
देखिए आप गलत गलत सूचना नहीं दोगे आप किसी को भी, गलत नहीं दोगे। गलत का जवाब अपने टाइम में देते ना, अपने टाइम में देते गलत का जवाब जो आपसे पूछा जाता। ठीक है आप बताइए बताइए आप। एक कैप्टन साहब आप मुद्दे पे हैं प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि हिजाब या फिर रोजी रोटी, मैं कह रहा हूँ हिजाब या फिर रोजी रोटी का हिसाब, सीधी सी बात। बिल्कुल तिलक जी, हिजाब एक पहनाव है, अपना पर्सनल है, और वो उनको अपने तक सीमित रखना चाहिए, वो सरकारी संस्थाओं में नहीं आना चाहिए। कल कोई अगर मुस्लिम लड़कियां मानो आर्मी में भर्ती हो जाती हैं, तो क्या वहां हिजाब लगा के जाएंगी? आर्मी का एक ड्रेस कोड होता है। कल को मुस्लिम लड़कियां आईएएस बन जाती हैं, तो क्या वहां हिजाब पहन के जाएंगी? कल को कोई मुस्लिम लड़की पायलट बन जाती है, तो वहां हिजाब बांध के जाएगी? तो ये इस चीज का इनके पास जवाब है। इसलिए हिजाब अपने घर में पहनिए। मैं कह रहा हूँ हिजाब क्यों कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ। अब ये बताइए कि हिजाब विवाद से आखिरकार किसको फायदा होगा? चलिए छोड़िए सारी बात, किसको फायदा होगा? ये हिजाब विवाद बनाया जा रहा है, किसको फायदा होगा इससे? बिल्कुल, जो मुस्लिम बात करके लेके आते बार बार, जिन्होंने मुस्लिमी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे, जिनके सुने जिनके प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के सारे संसाधनों पे मुसलमानों का पहला अधिकार है, जिन्होंने जो है ना मंदिरों के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, तिलक जी अखिलेश जी का एक बयान है कि मुसलमानों की बेटियां ही हमारी बेटियां हैं, हिंदुस्तान की हर बेटी हमारी बेटी है। कहां क्या झूठ लेके बैठ गई, कहां बोला? नहीं तो कहां बोला है, क्या झूठ लेके बैठ गई? बोला है, कहां बयान है, कहां है बोला है, झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं? अंधभक्ति इतनी भी ठीक नहीं होती है ना, अरे भदौरिया जी, जिन्ना की मजार पे तो आप भी फूल चढ़ाने जाते हो पाकिस्तान, जिन्ना की मजार की पे तो आप भी फूल चढ़ाने जाते हो, आप तो पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते हो। यासीम मलिक को प्रधानमंत्री हाउस में बुला के आतंकवादियों को अफगानिस्तान में कांदार तक छोड़ने जाते हो आप? प्रधानमंत्री बिरयानी खिलाता था, नहीं बिरयानी खाने तो आप पाकिस्तान जाते हो, आप आतंकवादियों को छोड़ने जाते हो। यहाँ तो कांग्रेस की सरकार में फांसी दी जाती है आतंकवादियों को, फांसी। कैप्टन साहब मैं ये कह रहा हूँ, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हिजाब विवाद से आखिरकार किसे चुनावी फायदा होगा? ये जो विवाद उठाया जा रहा, प्लीज सुपरमैन बीच में इंटरप्रेट मत करिएगा प्लीज। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि हिजाब विवाद ये लेके कौन आया है? जो लेके आया उसको फायदा इसमें दिख रहा होगा, जो लेके आया उसे इसमें फायदा दिखाई दे रहा होगा। बीजेपी तो लाई नहीं है, बीजेपी अच्छा। तो इसका विरोध कर रही है कि आप पहनिए, आप पहनिए, आपका अपना पसंदीदा अगर प्रावधान है तो पहनिए, यानी आप कैप्टन साहब ये कह रहे हैं जरूरत नहीं है, यानी कैप्टन साहब आप ये कह रहे हैं कि आप हिजाब की बात नहीं कर रहे, आप रोजी रोटी पर हिसाब दे रहे हैं। नहीं हमसे पूछे बिल्कुल देंगे, मगर मैं पूछने की हिम्मत कहाँ है, क्योंकि इनके अच्छा। जब कार्यकाल रहे तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। और नहीं अभी मैंने क्वेश्चन किया तो आपने कहा कि बीच में बोले, मैंने पूछा ना कहा बताइए उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार दिए 5 साल में, आप बताइए किसानों के बारे में बताइए, कितने किसानों की हत्याएं हुई, अब उनके बारे में क्यों नहीं बताया आपने? लेकिन आप नहीं सुनना चाहते। उदय जी, आप पूछ लूं सवाल। आपने विद्यार्थियों को घरों में घुस घुस करके पीटा, उनके रूम में घुस घुस करके पीटा, इसके बारे में बताइए आप जनता को। उदय जी सवाल पूछ लूं इजाजत है आपकी तो? नहीं बिल्कुल पूछिए तिलक जी, बिल्कुल। कैप्टन साहब मैं एक बात जानना चाह रहा था कि चलिए विपक्ष आप कह रहे हैं कि ये हिसाब का मुद्दा उठा रहा है, हिसाब जरूरी है या फिर रोजगार, क्या लगता है? बिल्कुल रोजगार जरूरी है, रोजगार हिजाब मायना नहीं रखता, हिजाब तो एक विवाद बनाया हुआ है, कांग्रेस और समाजवादी इसमें देख रहे हैं, अपनी राजनीति ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं अगर हिजाब का विवाद हम गरमाते रहेंगे तो कांग्रेस और समाजवादी सोच रहे हैं मुस्लिम वोट हमें सब मिल जाएगा। तो फिर ये कौन मतलब चाहता है, कौन चाहता है इस विषय पर चुनाव हो जाए, इस मुद्दे पर चुनाव हो जाए, कौन चाह रहा है? बिल्कुल कांग्रेस और समाजवादी का यही उद्देश्य है कि मुस्लिम मुद्दा गरमा के रखो ताकि मुस्लिम वोट पूरा हमारी तरफ ट्रांसफर हो जाए, मगर अच्छा। ये शायद भूल चुके हैं कि मुस्लिम वोट आज बहुत समझदार हो चुका है, हमने अस्सी बीस जो हमने किया है वो ये किया है कि 20% विरोधी लोग, किसी जाति को नहीं किया है ये बात अच्छा। करें आप, आप एक बात जाति का नाम नहीं लिया है, समझ रहा हूं। मैंने ये कहा कि 80% को एक
तिलक जी अगर जो सवाल जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। एक मिनट भूदेव जी प्लीज, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। अच्छा चलिए चलिए, ये तो विपक्ष के नेता हैं। चुनाव से पहले ये विवाद क्यों आया, आपको क्या लगता है क्यों आया चुनाव से पहले? आप उसी सवाल को बार बार क्यों लपेट रहे हैं? जब मैंने कहा कि इनको फायदा है मुस्लिम तुष्टिकरण करने से दोनों पार्टियों को, इसलिए बार बार ये लेके आए। बीजेपी तो लेके आई नहीं है, बीजेपी तो उसमें चर्चा भी नहीं करना चाहती है, मगर ये बार बार उसी को क्यों लेके आ रहे? प्रियंका गांधी ने क्यों कहा कि लड़कियां पहन सकती है, बिकनी पहन सकती है? कितनी घटिया शब्द प्रियंका गांधी ने कहा है, लड़कियां बिकनी भी पहन सकती है। बिकनी पहनना तुम्हारा भदौरिया जी, तुम्हारे तिलक जी, तिलक जी इनसे कई सवाल पूछे गए, इनको देश के लोगों के कपड़ों से दिक्कत है। इनसे पूछा गया कि आपने रोजगार के बारे में बताया, इनसे पूछा गया आपने रोजगार के बारे में बताया, नहीं बताया, नहीं बताया। इनको प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। ये वो लोग हैं जो केवल धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने पीछे ले जाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसका जवाब ये नहीं देंगे कि वहां के युवा आज रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। और आपको 10 मार्च को इनके 10 मार्च, अरे भदौरिया जी, जनता आपको जवाब देगी 10 मार्च को। 10 मार्च को आप कहां हो, 10 मार्च को पता चलेगी आपको आप कहां हो, आप कहां हो 10 मार्च को आप पता चलेगी। अरे आप लोग, अरे किसने भगा दिया? अरे आप तो कहीं जाने लायक ही नहीं हो। आपके नेता तो पिट रहे हैं जगह जगह आपके नेताओं को पीट करके भगाया जा रहा है। आपकी तो जनसभा बिना मौसम खराब होने के खत्म रद्द की जा रही है। सारे नेताओं को आपके पीट पीट के भगाया जा रहा है। अरे आप षड्यंत्रकारी हो, आप देश को बांटने का काम कर रहे हो। आप लोगों की पार्टी में केवल बलात्कारी, गुंडे और जो किसानों को मारने वाले वही नेता है। कोई भी भला आदमी आपकी पार्टी में नहीं है। आप न देश के युवाओं के बारे में सोचते हैं, न देश के मजदूरों के बारे में, न देश के दलितों के, न देश के किसानों के बारे में। आपके मंत्री के बेटे भी आपकी पार्टी में हत्यारे, ऐसे हत्यारे आपकी पार्टी में, बलात्कारी आपकी पार्टी में। आपकी पार्टी के नेताओं से हमारे देश, आप किसी और को देखते हैं इस तरह से डिबेट करते हुए? सर वो वहां होती है जो वो राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को टकराते लड़ाते भिड़ाते हैं। ऐसा मत करिए सर, रुक जाइए एक मिनट। सर मैडम मुझे एक बात बताइए, तिलक जी ऐसे लोगों को बिठाओगे जिनको दुनिया नकार चुकी, तो ये यहाँ पर आके अपना नहीं, ये क्या तिलक जी, ये क्या तरीका है इनका बोलने का? ये बताएंगे कि हमको कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है? ये गलत बात है। इनसे बोले ये क्या तरीका है इनका बोलने का? अरे क्या, अरे आप कौन हो? आप बताओगे क्या? नहीं आप बताओगे क्या? आप बताओगे क्या? आपके मुख्यमंत्री की भाषा है कि गर्मी निकाल देंगे, आपके प्रधानमंत्री की भाषा है। पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, पूरे विश्व के अंदर आप देश की थू करवा रहे हो। ये बताएंगे क्या? नहीं तिलक जी, ये बताएंगे क्या किसको कहां बैठना है? ये कौन है, ये कौन है ये? अरे क्या गर्मी निकालोगे आप? आप क्या गर्मी निकालोगे? आप बलात्कारी, आप हत्यारे पार्टी वाले, आपकी पार्टी में हर तरह के लोग बलात्कारी, हत्यारे, सब आपकी पार्टी में। और आपके नेता जो मुख्यमंत्री है एक राज्य के, उनकी भाषा किस तरह की है, पूरा देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है। कम से कम अपनी भाषा का प्रयोग मर्यादा में रह करके कीजिए। हो गया सर, नहीं सर, इन्होंने ये गलत बोला है, तिलक जी इन्होंने ये गलत बोला है। प्लीज सर, प्लीज जनता को तय करने दीजिए ना, जनता तय करेगी। तिलक जी बेवकूफ 10 मार्च को जनता तय करेगी। 10 मार्च को ऐसे लोगों को हमेशा के लिए भगाएगी, इनको 70 साल के लिए फिर से दूर करेगी जनता। चिल्लाते हैं तो मैं अपना कान बंद कर लेता हूं। नहीं बेवकूफ आप हो, तरीके से बात करो प्लीज। क्या बात करने का आप में तरीका नहीं है? आपकी इतनी उम्र हो रही है, आपको यह नहीं समझ में आता है कि किस तरह से बात करनी चाहिए एक टीवी चैनल पर बैठे? प्लीज बुद्धे जी, प्लीज 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 मुद्दे को डिरेल कर रहा है। अभी तो मैं असली मुद्दा लेकर आने वाला हूं, प्लीज मुद्दे को डिरेल मत करिए। फरा मैडम, ये चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे जो उठाए जाते हैं, क्या वाकई ध्रुवीकरण के लिए इस मुद्दे को उठाया जाता है कि तुष्टिकरण की राजनीति हो? और अगर हो तो किसको फायदा किसको नुकसान, और इसमें कौन दल पीछे है?
देखिए इसमें मैंने अपनी पहले वाले जवाब में भी बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि ये चुनाव के टाइम में जबरदस्ती मुद्दों को घसीटा जाता है, क्योंकि इन लोगों के पास में अभी आपने खुद एग्जांपल देख लिया किस तरह से लोग लड़ रहे हैं आपस में, इन लोगों के पास में डेवलपमेंट के नाम पे कोई बात नहीं होती, इन लोगों के पास में एजुकेशन के नाम पे कोई बात नहीं होती, और ये एक दूसरे की स्पर्धा में जो है ये अपनी रैलीज में अपनी कैंपेनिंग के जो स्पीचेज है उसमें बताते हैं कि हम ये देंगे हम ये देंगे, चाहे कांग्रेस आज अभी भी दावा कर रही है कि हम इतना परसेंट आरक्षण देंगे 40% महिलाओं को, तो इतने टाइम तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही आज तक महिलाओं को वो आरक्षण क्यों मिला, अगर इतनी महिला हितैषी कांग्रेस रही थी तो 1986 में जब शाह बानो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए जजमेंट दे दिया था तो क्या जरूरत थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहकावे में आने की, क्यों वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से मुसलमान पूरी कम्युनिटी का बेवकूफ बनाया, और वो एक ऐसा एक्ट 1986 में आया जिसमें आज तक एक भी मुस्लिम महिला ने अपना सूट फाइल नहीं किया मेंटेनेंस के लिए, जिस भी महिला को मेंटेनेंस सही होता है वो 125 CRPC में की जाती है, तो जब महिलाएं महिलाओं को इस पर्सनल लॉ से कोई लेना देना ही नहीं है, उनका कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो क्यों इतने पर्सनल लॉ के नाम पे आज मुस्लिम कम्युनिटी के पास में 9 acts है, 9 किसी के पास नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी के पास में, और सारे के सारे बोगस एक भी एक्ट काम का नहीं है, और जबकि अगर हम बात करें हिंदू कम्युनिटी की तो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जिसने 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट नाफिज किया, उसके बाद 30 साल के बाद में हिंदू सक्सेशन एक्ट आ जाता है, फिर माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद में जो एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट आ जाता है। मैडम आपसे एक एक शब्द से एग्री हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये चुनाव के वक्त ये सारे मुद्दे क्यों उठते हैं? मेरा ये कंसर्न है कि ये चुनाव के वक्त ही ये मुद्दे क्यों उठते हैं? चुनाव के वक्त ही मैं आ रही हूँ उसी बात पे, तो ये जो चुनावी जो राजनीति चुनावी जो बिसात बिछाई जाती है वो इसीलिए बिछाई जाती है कि इन्हें पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता, इन्हें कम्युनिटी के वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं होता, इन लोगों का जो रहता है एक होड़ मची रहती है कि मैं कितने बड़े दावे कर सकता हूँ, मैं क्या झूठ बोल सकता हूँ, कितना बड़ा झूठ बोल सकता हूँ, और चुनाव के बाद आप देख लीजिएगा इनको इनसे कोई सरोकार नहीं होता, पब्लिक परेशान, वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है वो चलती रहेगी, तो ये सारे इश्यूज जो है वो चुनाव में खास तौर से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो अभी हिजाब को लेकर के एक मुद्दा बनाया गया है चुनाव में जबरदस्ती, इसका कोई वजूद नहीं था, क्योंकि एक स्कूल है, स्कूल अपनी ड्रेस कोड बनाता है, हर स्कूल बनाता है, वो अपने रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं डिसिप्लिन के लिए बनाते हैं। और मैडम मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये लोग चुनाव में ही क्यों, आप लोग समझ नहीं रहे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ऐसा तो नहीं है कि अपने बच्चों को नफरत की आग में झोंक रहे हैं, हम अपने बच्चों को नफरत की आग में झोंक रहे हैं। सर वही तो मैं बात उसी बात पे मैं आ रही हूँ तिलक जी, कि अगर स्कूल एक ड्रेस कोड बना रहा है और हम बजाय इसके कि हम अपने बच्चों को कहें कि नहीं ये ड्रेस कोड है आपको फॉलो करना चाहिए, आपने उस चीज को एक इतना बड़ा इश्यू बना दिया, तो हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और किधर लेके जा रहे हैं? ओके सुमन जी, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं एक अहम विषय पर आ रहा हूं जिस पर चर्चा होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण दूंगा कि देश का मुद्दा क्या होना चाहिए जी। आप लोगों को इस डिबेट में उदाहरण दूंगा कि देश का मुद्दा क्या होना चाहिए, और फिर आप लोग खुद तय कर दीजिएगा भूदेव शर्मा, राघविंद्र दुबे जी और कैप्टन साहब कि वाकई ये देश का मुद्दा होना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन सुमन जी अपनी बात रखिए, फिर राघवेंद्र दुबे जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। आपका ऑडियो नहीं आ रहा सुमन मैडम। आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं दोबारा से। राघवेंद्र दुबे जी, समझ रहे हैं आप लोग इस तरह की राजनीति से किसका भला होगा? ना तो राजनीति का फायदा होगा, आप लोगों का फायदा जरूर हो सकता है और उसमें सब राजनीतिक दल शामिल है। किसी का भला नहीं, देश का नुकसान, देश का नुकसान है और पूरे देश का नुकसान। हम नफरत की तरफ अगर बढ़ेंगे तो यही हालत होगी कि हम नफरतों में बच जाएंगे, छोटे छोटे गुटों में, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, जहाँ सबने मिलकर के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी आहुति दी और इस देश को आजाद कराने का काम किया। आज ये स्थिति बनाई जा रही है
जहाँ एक भाई दूसरे भाई से लड़ने का काम कर रहा है, छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाया जा रहा है। इस तरीके से क्या इस पर नहीं भर्सना होना चाहिए? अभी फराजी कह रहे हैं कि इनको क्या ये भर्सना नहीं होना चाहिए कि एक लड़की जाती है, वो मुद्दा हो सकता है ड्रेस कोड का? ड्रेस कोड का अगर मुद्दा है, वो स्कूल को उसको संस्थान को निर्धारित करना चाहिए था, उस पर पेनल्टी लगती या जो भी बात होती। लेकिन ये क्या ठीक लग रहा है कि एक लड़की के पीछे 100 लड़के एक झुंड की तरह जाएं और इस तरीके से नारेबाजी करते हुए पट्टे डाल करके सजे जा रहे हैं? तो इसको आप क्या गलत नहीं मानती हैं? आप अगर वहां पर ये मान के चले आपकी हमारी बेटी होती, हमारी बेटी होती, हमारी बहन होती, आपकी बहन होती, आपकी बेटी होती, और उसके पीछे ऐसे लफंगे लोग 100 लोग लग जाते, क्या उसको फिर भी जस्टिफाई आप करते? फिर भी धर्म के चश्मे से उसको देखते? अगर धर्म के चश्मे से उसको नहीं देखते तो कम से कम ये सही बात तो कहने का कम से कम मौका हो। और जो चावला जी कह रहे हैं उस टाइम से शुरू से जिस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी उससे सहमत हूँ कि निश्चित रूप से ऐसा मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए चाहे रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, युवाओं को कुछ तरक्की होगी कि नहीं होगी, विकास के लिए हम क्या मॉडल लेकर आए, इस पर बहस होनी चाहिए थी। पांच साल में उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करना चाहता हूँ, जहाँ मुख्यमंत्री जी कह रहे 4 लाख हमने रोजगार दिए, उनका एक मंत्री कह रहे हैं उनके सिद्धार्थ नाम सिंह, मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने 2 करोड़ नौकरी क्या दी, एक मंत्री ने 6 लाख नौकरी की बात करी। अब आप बताइए आप कितना झूठ बोलते हैं। 7 करोड़ युवा उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है, आप बेरोजगारों की बात नहीं कर रहे हैं? लोगों की नौकरी चली गई कोरोना काल में, जिस हालात में लोग गए, और मुद्दा क्या बन रहा है? मुद्दा ये बन रहा है कि एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है कि हम तुम्हारी गर्मी शांत कर देंगे। प्रधानमंत्री की भाषा देखो, असम के मुख्यमंत्री की आपकी पार्टी के हैं, उनकी भाषा क्या हुई? क्या उसका किसी ने खंडन किया? क्यों नहीं, केवल वैमनस्यता फैला करके, नफरत फैला करके आप समाज को बांटना चाहते हैं। और समाज को अगर बांटोगे, हमारी पार्टी में आपने देखा कि अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल भी कोई कम नहीं, नेता भी शांति के कबूतर नहीं उड़ा रहे हैं, आपके नेता भी शांति के, अगर वो गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं तो आप भी चर्बी उतारने की बात कर रहे हैं, और आपके भी कई नेता ऐसे हैं जो आरोपियों को टिकट दिया आपने, तो कम यहाँ कोई नहीं है। देखिए मैं एक मिनट मैं अभी मैं विषय पर आऊंगा सर, जिस विषय को लेकर मैं आया उस पर आऊंगा। सुमन जी अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद आ रहा हूँ मैं। चावला जी ये कहना चाहता हूँ, हमें कातिल बताते हैं और हम बड़े विश्वास से उन पर यकीन करते हैं। जब सारा संसार वैश्विक बीमारी से जूझ रहा था, तब उत्तर प्रदेश में योगी जी ने खुद खड़े होकर हर व्यक्ति के लिए, अरे क्या कमाल, क्या कमाल की बात कर रहे हैं, क्या करा गंगा जी पूरी लाशों से पटी हुई थी, अरे महिलाओं के बीच में बोलना इतनी तहजीब तो सीखो, इतनी तहजीब तो सीखो कि महिलाओं के बीच में होते अरे कहां की जवान ले के प्रिंस साहब, आपको सर माननी चाहिए, जगह नहीं थी आपके पास, ऑक्सीजन नहीं थी आपके पास, दवा नहीं थी आपके पास, बेड नहीं थी, बदन एक मिनट सुमन जी मैं नहीं जानता कि आप किसके समर्थक है किसके नहीं है। एक मिनट फरा मैडम लेट मी कंप्लीट, फरा मैडम एक मिनट, आप किसके समर्थक है किसके नहीं वो आपका पर्सनल मैटर है, प्लीज यहाँ पर जिस भूमिका में आप हैं उसी भूमिका में रहिए। मैं आ कह रहा हूँ कि इस विषय को लेकर आखिरकार राजनीति क्यों हो रही है, इससे किसका भला होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। तिलक जी, आप किसी के भी जिंदाबाद के नारे लगाए लेकिन ये मंच पर मत लगाइए प्लीज। तिलक जी आप किसी भी जिंदाबाद, एक मिनट सर, तिलक जी यहाँ महिलाओं को बोलने नहीं दे रहे हैं, दो लोग बैठ के तो अच्छा, अरे भदौरिया जी आप शांत रहिए, ये देखिए ये मैं बीच में नहीं बोला हूँ, ये इस तरह का आरोप नहीं लगेगा, इनको शांत कीजिए पहले, इनको शांत कीजिए, मैं बिल्कुल भी नहीं बोला हूँ बीच में, शांत कीजिए इनको, बोलने की कमीज नहीं है इनमें। एक मिनट प्लीज शर्मा जी, कैप्टन साहब आपका इल्जाम मेरे सर माथे है, ठीक है मैंने नहीं बोलने दिया मैडम को, मैडम प्लीज कंटिन्यू। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि जब जब चुनाव आते हैं इसका फायदा सबसे ज्यादा विपक्ष को है। इस वक्त यूपी का जो चुनाव है ऑल वर्सेस बीजेपी है, हम सब खुद जानते हैं कि अखिलेश यादव का टारगेट क्या है, कि वो मुस्लिम वोट बैंक को खींचने के लिए उसने एक हिजाब का मुद्दा बनाया है, जबकि सभी उन्होंने कहाँ बनाया, अरे क्या झूठ बकवास कर रहे हैं, अरे बीच में इतनी रैली हुई कहाँ की, अरे झूठ बोले कितने बैठे, तिलक जी रोकिए कहाँ, एक एक जगह बताइए आप,
अखिलेश जी ने कहीं मुद्दा बनाया आपको चुनौती दे रहे हैं। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी प्लीज एक मिनट बताइए, बताइए कहाँ पे उठाए उन्होंने मुद्दा। प्लीज प्लीज एक मिनट, एक मिनट तिलक जी ने समझाइए, गुंडागर्दी यहाँ तो ना करे कैप्टन साहब प्लीज। कोई महिला भी आपसे आपसे बड़ी गुंडागर्दी कौन कर रहा है जो बोलने का तमीज नहीं है आपको? एक सेकंड, आपसे बड़ा गुंडा कौन है? अरे मैंने नहीं, आप आपसे बड़ा गुंडा कौन है जो आप ढंग से बात नहीं कर रहे? आपसे बड़ा गुंडा कौन है? गुंडागर्दी तो आप लोग करते हो, गर्मी आप लोग साथ करते हो लोगों की, आप लोग एनकाउंटर करते हो, आप भगा ले गए, तुम्हारी बहन को भगा ले गए क्या जो गुंडा कह रहे हो? अरे इनको तरीके से बोलिए, अरे आप सारे तरीके से बात कीजिए, ढंग से बूढ़े हो ना, बुड्ढे की तरह से रहिए, इसको शांत कीजिए पहले तिलक जी। ये क्या तरीका है इनको बात करने का? तमीज नहीं है बात करने की, इनको भगाइए, इनको भगाइए, इसको बैठ गए यार डिबेट में, इसको भगाइए तिलक जी, वरना मैं भी बहुत गंदी तरीके से बोलना जानता हूँ। इसको समझाइए, अगर इसको बात करनी है आमने सामने आके बात करे, अगर इसमें इतना ही दम हो तो आमने सामने आके बात कर, डिबेट को तरीके से बात नहीं कर रहा, कर रहा जब से हम शांत कर रहे हैं, लेकिन बोलने का तरीका नहीं है इसके अंदर। महिला बोलती तो उनको बोलने नहीं दे रहे हो, ये 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 इनकी ये इनकी तमीज है इन बीजेपी वालों की। इनको उठाइए तिलक जी, इनको उठाइए, इनको उठाइए, इनको बोलिए, ऐसे लोगों को आप अपने चैनल पर मत बुलाइए, इनकी वजह से इन लोगों को कौन बुलाएगा? अरे क्या है ये, बात करने का तरीका नहीं है, अपनी उम्र का ख्याल नहीं है इनको, शर्म भी नहीं आ रही है इनको, शर्म नहीं है इनको, शर्म तेरे को आना चाहिए। अरे क्या है ये, क्या इसको बोलिए शांति से बात करे तिलक जी, इसको बोलिए शांति से बात करे, अगर इसके अंदर दम है तो आके बात करे सामने। आजा आजा कहाँ था, आजा चल बोल कहाँ। ये वो लोग हैं जिनसे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्या भाषा है ये? आप इनको बिठा कैसे लेते हो, आप इनको बिठा कैसे लेते हो तिलक जी, आप इनको बिठा कैसे लेते हो? इन लोगों में ये जो अपनी माँ बहनें बैठी हुई हैं, इनके सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये जान सकते हैं इनकी कितनी घृणित मानसिकता है, ये कितनी घृणित मानसिकता के लोग हैं। इनकी मानसिकता देखिए आप, नहीं इनकी मानसिकता देखिए, इनकी ये इनकी मानसिकता देखिए, बीच में नौटंकी नहीं करते जैसा तुम दोनों, ये घृणित मानसिकता के लोग हैं ये। माँ बहनों के बीच में बोलते नहीं, माँ बहनों को बोलने देते, शांति अपनी बात नहीं, माँ बहनों को इसको शांत कर लीजिए, इसको शांत कर लीजिए तिलक जी, इसको शांत कर लीजिए तिलक जी, इसको शांत कर लीजिए, इसको शांत कीजिए। अरे चुप चुप साले, चुप क्या करेगा तू, चुप। अरे तरीका नहीं है बात करने का, कहां से आ जाते हैं ये लोग उठ के? चुप, तू तो अगला, तू तो अगला, तू तो अगला, बहुत देर होगी तुझसे तमीज से बात करते करते, तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, तमीज से, तमीज से बात करो, ढंग से बात कर तिलक जी, इसको समझाइए, बहुत बुरा हो जाएगा, जहां का है ना, जहां का है वही आके सुधार दूंगा। साले जूते मारूंगा जहां मिल गया था। अरे तिलक जी इसको समझा लीजिए, मिल गया था, बोलने का तरीका नहीं है इसके अंदर, मिल गया था। अरे तू क्या मारेगा, तेरी औकात है, तेरी औकात है, औकात है तेरी। अरे इसको शांत कीजिए तिलक जी, भगाइए ना इसको, कौन है ये? चुप, देखिए ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। इसका नंबर दीजिए मुझे, इसका नंबर दीजिए, इसका नंबर दीजिए मुझे, मैं बात करता हूँ उससे फोन पे, फोन पे बात करता हूँ मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ, एड्रेस दे। ऑडियो नीचे, एक मिनट प्लीज, प्लीज भूदेव जी प्लीज। आ गई हकीकत, आ गई हकीकत बीजेपी वालों की, ये हकीकत है इनकी, यही हकीकत है प्लीज। और महिलाएं अभी जो पक्ष कर रही थी, महिला सम्मान की बात कर रही थी, अब करें बात, क्या भाषा बोली, किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सुमन जी नहीं है, डिस्कनेक्ट कर दीजिए उनको, सुमन जी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए उस मुद्दे पर चुनाव क्यों नहीं है? इन सब चीजों से हासिल क्या होना है कैप्टन साहब, क्या हासिल होना है कैप्टन साहब का? खोलिए ऑडियो कैप्टन साहब, आराम से, जिस मुद्दे को अब मैं लेकर आने वाला हूं वो मुद्दा बेहद गंभीर है। और भूदेव शर्मा जी प्लीज, बीच में हर वक्त बीच में, जब मैं जिस मुद्दे पर चुनाव, आप कह रहे हैं कि हम मुद्दे पर लड़ रहे हैं, मुद्दे पर डिबेट ला रहे हो, आप लोग बीच में उछल रहे हैं। तिलक जी मैं बिल्कुल भी, तिलक जी मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला था, इस आदमी ने मुझे बिल्कुल मेरे को बीच में लिया कि महिलाओं के बीच में मैं बोला हूं, मैं एक बार भी बीच में नहीं बोला। आप पूरा ऑडियो पीछे से देखिए, पूरा रिकॉर्डिंग आप चेक कीजिए, मैं एक बार बीच में नहीं बोला हूं। कीजिए नहीं बैठूंगा ऐसे लोगों के साथ, ये बदतमीज लोग हैं, ये बोल रहा है,
ये बत्तीस लोगों के साथ नहीं बैठूंगा मैं, नहीं इसको हटाइए या फिर मैं हटता हूँ, इसको हटाइए, अरे इसको हटाइए यार, इसका नंबर दीजिए मुझे, बदतमीज कहीं का, शर्म नहीं है इसको बोलने की, तमीज नहीं है, तिलक जी मिल गया जूते मारूंगा तेरे, जहां मिल गया जूते, तेरे में अगर औकात है ना, तेरे में अगर औकात है मुखर्जी नगर के अंदर है, दिल्ली में अगर तेरे में औकात है, बहुत देर से सुन रहा हूं मैं, अगर असली बात की पैदाइश है तो यहाँ तेरे को मैं देखूंगा कौन जूते मारेगा कौन नहीं मारेगा, जूते शर्मा नाम है मेरा, तेरे जैसों को रोज मारता हूं मैं, अब अभी अमीर नहीं है, इसको हटाइए, इससे डिबेट नहीं करनी मुझे, अभी मैं सामली में हूं बता कहां मिलेगा, अभी मैं सामली में हूं तू बता कहां मिलेगा, तेरे को बता दूं मैं क्या हूं, कैप्टन साहब मुद्दे पर आए, मुद्दे पर आए, मुद्दा प्लीज, मुद्दा तो आप इन भैंसों को बुलाओगे तो मुद्दा यही रहेगा, शांति से डिबेट चल रही थी, बीच में क्यों बोले, महिलाओं को नहीं बोल रहे थे, हमारी तो बात महिला बोलती उनके बीच में बोल रहे, फिर मैं कैप्टन साहब आपके पास आ रहा हूं, राघवेंद्र दुबे पहले अपनी बात रखे, कैप्टन साहब शांत, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि चैनल पर बात हो रही है और दुनिया के लोग इसको देख रहे हैं, किस बदतमीजी के साथ बात हो रही है, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग हो रहा है, और अभी महिला सम्मान की बात हो रही थी, अब महिलाएं भी दो जुड़ी हुई थी, वो भी बड़ा इसमें बात कर रही थी, और लगातार गालियां मतलब दे रहे, बीजेपी की यही मानसिकता है, यही है महिला सम्मान इनके लिए, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में यही हालत है, और हालत ये महिला जब बोल रही थी बीच में तू बोले थे, महिलाएं बोल रही थी, महिला जब बोले थे बीच में कौन बोला, तू बोले थे, महिलाओं के बीच में कौन बोला, कैप्टन साहब कह रहे हैं, मैं नहीं बोला हूं, महिलाओं के बीच में कौन बोला, मैं नहीं बोला, आपको अपनी जस्ता सवाल नहीं, जब भले इतनी उम्र हो मालूम है, दूसरे को समाजवादी ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान नहीं समाजवादी सिखाया है, समाजवादी बड़े गुंडे हैं वो हमें मालूम है, गलत बात है, अभी चार से बड़ा गुंडा कोई नहीं, समाजवादी है, अभी अभी आपका चेहरा दिख गया है, किस तरीके का आप लोग हैं, कम से कम जो मुद्दा रखा गया उस पर आप बात करिए, कम से कम हमारे पूरे प्रदेश में दूसरे लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम हम लोगों को देखें, वैसे नेताओं के प्रति अच्छी धारणा नहीं, एक महिला बोल रही थी उसके बीच में क्यों बोले, महिला के बीच में आप क्यों बोले, नहीं नहीं आप महिला के बीच में क्यों बोले, मुद्दा है कोई बोलना है तो आप अपशब्द बोल जाएंगे, महिला जो आपकी बात रख रही है, आपके घर की महिला देख रही होंगी, क्या देख रही होंगी, आपकी महिला बहन बेटी महिला देख रही है, क्या देख रही है, महिला अपनी बात रख रही है, आप बीच में क्यों बोले महिला के में, मैं तो नहीं बोला हूँ, आप बौखलाए क्यों, आप क्यों बौखला रहे, मैं इसलिए बौखलाऊं कि आप महिलाओं के महिलाओं की भी यहाँ बात नहीं रखने देंगे, आप जहाँ जाएंगे ना गुंडा करिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्लीज, मुद्दे पर रहें, सुमन जी मैं विषय यही जा रहा था, क्योंकि अभी मैं विषय उठाने वाला हूँ, वो बहुत गंभीर विषय, मैं चाहूंगा बीच में जब कैप्टन साहब और मैं बोले तो कोई ना बोले, तो मैं इसलिए चाह रहा हूं अपनी बात रखिए, और व्यक्तिगत रूप से आप किसका समर्थन करते हैं किसका नहीं, इस राजनीतिक नजरिए से इस मंच का इस्तेमाल मत करिए प्लीज, मैं ये कह रहा हूं कि जो मुद्दा है हिजाब का मुद्दा, इससे क्या रोजी रोटी का जो संकट खड़ा हुआ है लोगों के सामने वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हिजाब एक अलग मुद्दा है और रोजी रोटी एक अलग मुद्दा है, देखिए इंसान के जीवन की बेसिक नीड होती है रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, तो सबसे पहले जब तक पेट में रोटी ही नहीं होगी ये हमको नचाता है दिन रात, यारों हमारा पेट है मदारी की तरह, तो जब तक पेट में रोटी नहीं जाएगी तब तक बाकी की जो बेसिक एसेंशियल नीड्स है वो कैसी पूरी होंगी, और इसी रोटी की वजह से ही, इसी रोटी की वजह से आदमी गुमराह होता है, इसी रोटी की वजह से ही जो दूसरे लोग हैं वो इनको कैश करते हैं, तो सबसे पहला मुद्दा रोटी आएगी कहाँ से, जब तक रोजगार नहीं होगा तो रोटी नहीं होगी, तो सबसे पहला मुद्दा और गंभीर मुद्दा है वो युवाओं को रोजगार, लेकिन क्या सिर्फ ये एक सरकार की जिम्मेदारी है कि वही रोजगार देगी, क्या हमारे देश का युवा खुद रोजगार के लिए प्रयास नहीं कर सकता, क्या वो इतना सक्षम नहीं है कि वो छोटे छोटे एक छोटी सी चीज सोचिए तिलक जी, हर इंसान अगर ये सोचे कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है मैं सिर्फ इंजीनियर ही बनूंगा, अगर मुझे कोई दूसरी जॉब मिल रही है तो मैं उस जॉब को क्यों नहीं एक्सेप्ट करता, तो कहीं ना कहीं हमें दूसरे विकल्प भी ढूंढने पड़ेंगे, ये नहीं कि हम एक विकल्प पर ही अड़कर बैठ जाए, रोजगार इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और रहेगा, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और रहेगा, लेकिन फिर भी हम चुनाव लड़ेंगे तो हिजाब पर लड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त ये सब लोग अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, देखो कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, एक तरफ से हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो अगर हम हिजाब की बात करेंगे तो महिला सशक्तिकरण कहाँ आ रहा है, वो तो महिलाओं को कमजोर बनाया जा रहा है, मैं समझ गया मैडम, जो बात आप समझा रही है मैं समझ गया मैडम जो आप समझाना चाह रहे हैं, महिलाओं को उनका दुरुपयोग किया जाता है, जी जी मैं समझ गया, टारगेट किया जा रहा है,
मैं समझ गया जो आप समझाना चाह रही, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा राघवेंद्र दुबे जी आपसे भी और फरा मैडम आपसे भी और सुमन मैडम आपसे भी, अब मैं कैप्टन साहब के साथ सिर्फ 2-3 मिनट की गुफ्तगु करना चाह रहा हूँ, आप सबकी इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। कैप्टन साहब आपने कहा कि ये लोग राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, आपने कहा कि ये लोग राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। मैंने बचपन में सुना था और समझा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो मुझे एक बात बताइए सर, एक विषय जिसको देखकर मैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, तभी मैंने आपसे पूछा कि ये हिजाब बड़ा मुद्दा है या रोजी रोटी बड़ा मुद्दा है। जानते हैं ये सवाल मैंने क्यों पूछा? बेरोजगारी के कारण आत्महत्या बढ़ गई सर। 2018 से लेकर 2020 के बीच में कर्ज और बेरोजगारी की वजह से 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली, 25,000 लोगों ने। आप लोगों के रोंगटे खड़े हुए, मेरे खड़े हुए थे, 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। क्या यह देश का बड़ा मुद्दा है या फिर नहीं कैप्टन साहब? तिलक जी आपने कहा कि हिजाब मुद्दा है या रोजगार, बिल्कुल अपनी अपनी जगह दोनों ही है। हिजाब दोनों है। अगर हिजाब इसलिए मुद्दा है कि हिजाब आपने घर में पहने तो कोई मुद्दा नहीं है, हिजाब अपने समाज में पहने कोई मुद्दा नहीं है, मगर हिजाब आप स्कूल और इनमें पहन के आएंगे तो मुद्दा बनेगा। तो वहां आपके 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली, उनके पास रोजगार जवाब की वजह से वो मुद्दा नहीं है। जवाब तो लेते जाए, थोड़ा सुनते जाए, हम सब उस पे भी आ रहे हैं, वहां भी आ रहे हैं। तो आप जो है ना, आप सोचें कि हम हिजाब पहन के स्कूल कॉलेज में जाएंगे, आप प्राइवेट में जाइए ना, सरकारी में ही क्यों पहन के आना चाहते? प्राइवेट स्कूल कॉलेज में एडमिशन लीजिए और पहनिए, वहां गेट तो छोड़ो, दूसरे दिन पीसी निकाल के बाहर कर देंगे, दूसरे दिन पीसी निकाल के बाहर कर दे। सर सरकार ने बताया, सर सरकार ने बताया, मेरे आंकड़े नहीं है सरकार के आंकड़े, सरकार कह रही है और राज्यसभा में बताया सरकार ने, 2018 से 2020 के बीच में कर्ज के कारण 25,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने आत्महत्या कर ली, उसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे और ईसाई भी होंगे सर, उसमें सब होंगे। और जानते हैं सर बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है? बेरोजगारी की वजह से 9,140 लोगों ने आत्महत्या की है, और दिवालियापन की वजह से यानी कि कर्ज की वजह से 16,091 लोगों ने आत्महत्या की है, 16,091 लोगों ने। फिर भी हमारे देश में हिजाब मुद्दा है, हैरानी नहीं हुई आपको कैप्टन साहब? नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ हिजाब मुद्दा नहीं होना चाहिए, मगर हिजाब मुद्दा बना कौन रहा है? आप इस पे क्यों नहीं आते? आप जो पॉइंट कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूँ कि हिजाब मुद्दा बना कौन रहा है? आप तो कह रहे हैं कि हिजाब, मैं कह रहा हूँ रोजगार, रोजगार बिल्कुल, रोजगार पे चर्चा करें ना, इन्हें करना चाहिए चर्चा। और हम देखो सरकार से आप सवाल पूछिए और तीखे सवाल पूछिए, रोजगार पे पूछिए, आप जो है ना लॉ एंड ऑर्डर पे पूछिए, हर चीज पे पूछिए और तीखे सवाल पूछिए। कैप्टन साहब दिसंबर में 5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार थे और नौकरी खोज रहे थे, इसी दिसंबर में आपकी सरकार ने बताया, और इसमें वो लोग शामिल नहीं थे जिन्होंने नौकरी खोजना ही बंद कर दिया। 15 से 64 साल की आयु के लोग, 1 अरब इनकी संख्या है सर, सीएमआई के आंकड़े बताते हैं कि 40 करोड़ लोग सिर्फ नौकरी वाले हैं। जवाब है कि नहीं सर, हैरानी की बात नहीं। अब ये आंकड़े आप कहां से लाए? ये आंकड़े हमारे पास तो ये आंकड़े हैं नहीं, आप लाए होंगे, हम ये नहीं कह रहे कि आप झूठ बोल रहे हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हो, मगर आप कहां से लाए हो ये आंकड़े? मेरे पास नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूं, जहां जहां हमारी सरकार ने बजट सत्र के दौरान संसद के भीतर बताया कि 2018 से 2020 के बीच में बेरोजगारी की वजह से 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली, और कर्ज की वजह से, कर्ज और बेरोजगारी की वजह से, ये आंकड़े सदन में बताए गए, 25,000। अब सुने, और बेरोजगारी के कारण 9,140 लोग, और दिवालियापन यानी कि कर्ज के कारण से 16,091 लोगों ने मौत को गले लगा लिया। ये आपकी सरकार ने बताया सर, मेरी सरकार ने बताया? नहीं नहीं, हमारी सरकार ने बताया, मगर मैं भी वही था, मैंने तो सुना नहीं है। अब आपको कहां से सुनाई देगा, मुझे जानकारी नहीं है। अब मैं रोजगार की बताना चाहूंगा, झूठ बोल रहा हूं क्या?
नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि झूठ बोल रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको आंकड़े कहाँ से मिले, वो मुझे नहीं मिले। सर मैं बताता हूँ, हमारे देश की विद्वान झूठ और सच की नहीं है। विद्वान जो विद्वान पत्रकार है ना सर, वो इस पर चर्चा नहीं करते, इसलिए आंकड़े सामने नहीं आते। हर गुलाबी अखबार में सुर्खियां अच्छी लगती है सर, बिल्कुल, तभी आंकड़े सामने नहीं आते, इस पर चर्चा नहीं होती, तभी हम हिजाब में अटके हुए सर, हिजाब में। मेरा पॉइंट सरा मैडम ये था सरा मैडम, सुनो मैडम, राजेंद्र दुबे जी, मेरा पॉइंट ये था कि हम हिजाब पर अटके हैं। मैंने कहा ना कि वो हिजाब चिल्लाएंगे, मैंने शुरू में कहा वो हिजाब चलाएंगे, यानी कि वो मतलब आप लोग राजनीतिक दल हिजाब चलाएंगे, और जनता से मैंने कहा कि आप लोग जॉब पर अड़े रहना, जॉब पर, इसीलिए मैंने कहा था। थैंक यू सो मच, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, थैंक यू, मैं यही कह रहा था, मुद्दा यही है राघवेंद्र दुबे जी, मुद्दा ये है, हिजाब मुद्दा नहीं है। फरा मैडम, सुमन मैडम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब आपका भी। तो विकास का सवाल, हिजाब पर बवाल क्यों, आज बात इतनी से थी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।